हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू द फिजियो वर्ल्ड सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑफ एस विरता एम पी टी एंट्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रिसक्रिप्शन इज़ सो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रिसक्रिप्शन का जो प्रिंसिपल है वो इनमें से कौन सा है सो ए इज़ ओवर लोड बी इज़ अंडर लोड सी इज़ नो लोड or D is load doesn't matter. So let's see. So principles of resistance exercises are strength, power, endurance, overload principle and said principle and also reversibility principle. So let's discuss overload principle. So description, a guiding principle of exercise prescription that has been one of the foundation of which the use of resistance Exercise to improve muscle performance is based is the overload principle simply stated if muscle performance is to improve a load that exceeds the metabolic capacity of the muscle must be applied that is the muscle must be challenged to perform at a level greater than to which it is accustomed if the demands remain constant after the muscle has adapted the level of muscle performance can be maintained but not increased सो ओवरलोड प्रिंसिपल है जो कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में एज अ प्रिंसिपल है सो so, इसमें यही कहते हैं कि अगर मसल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उतना लोड लेना ज़रूरी है जितना कि मसल uh, की मेटाबॉलिक कैपेसिटी को एक्सीड कर पाए एंड uh, ताकि मसल uh, को भी चैलेंज करना चाहिए ताकि परफॉर्म uh, कर सके वो uh, जिस लेवल पे हैं उससे बेटर सो so, इसलिए जो डिमांड्स हैं वो कॉन्सटेंटली इंक्रीज़ करते रहना चाहिए मसल की ताकि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो पाए सो दिस इज रेफरेंस फ्रॉम कैरोलिन किसनर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज फिफ्थ एडिशन पेज नंबर वन फिफ्टी सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन दैट इज़ ओवरलोड सो थैंकू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे यून फॉर अपकमिंग वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय